जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीके कंपटीशन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किस तरह से किया जाता है हमारे ब्लड में, हमारे सेल के पास कैसे ऑक्सीजन पहुंचता है, वो पूरा डिटेल से समझते हैं। यहाँ पे मैं एक रफली स्ट्रक्चर बनाया हूँ, ध्यान से देखना। क्या है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स? ऑक्सीजन ये है फ्रॉम लंग्स का, यानी लंग्स से पहले मैंने क्या किया, ऑक्सीजन को खींचा। रिस्पायरेशन के थ्रू होता है ना ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को मैंने लिया और वो गया लंग्स में। लंग्स में कहां, एल्वोलाई में गया, ठीक है। अब वहां से एल्वोलाई के पास से कहां जाएगा, आरबीसी में, यानी रेड ब्लड सेल्स में जाएगा। इस रेड ब्लड सेल्स में क्या प्रेजेंट होती है आपको पता होगा, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होता, वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है। हीमोग्लोबिन लेके गया, हीमोग्लोबिन लेके गया आरबीसी के साथ, कहां लेके गया है? ए रिलीज कर दिया, कहां, ऑक्सीजन रिलीज टू सेल, सेल के पास ऑक्सीजन को दे दिया, समझ में आ गया। उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके चला आएगा, यही तो प्रक्रिया होती है, यही तो है इसका प्रोसेस। देखो भाई, मैंने क्या बोला कि जो हीमोग्लोबिन था यहाँ पे, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके गया और वो रिलीज कर दिया किसके पास, सेल के पास, सेल को दे दिया। अब जब सेल को दे दिया तो सेल से क्या लेके आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है ना, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा और वो कहाँ रखे, किसको देगा, एल्वोलाई को, यानी लंग्स के एल्वोलाई में दे देगा, यही तो होता है। दोबारा सुनो, ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स कहां दिया, रेड ब्लड सेल्स आरबीसी को दिया। आरबीसी में क्या प्रेजेंट होते हैं, हीमोग्लोबिन। ए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जा रहे हैं और लेके गए तो किसको दे दिए, ऑक्सीजन रिलीज टू सेल, सेल को दे दिए। अब सुनो, मैंने यहां पे लिखा है हीमोग्लोबिन इज ए रेड कलर्ड आयन, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसी। आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो रेड कलर प्रोवाइड करता है, जो रेड कलर का पिगमेंट होता है। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ए पॉइंट याद हो जाना चाहिए कि एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है, 4 ऑक्सीजन को लेके जाता है, समझ में आ गया, 4 ऑक्सीजन को लेके जाता है, इतना समझ में आ गया, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को लेके गया, यहां से हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को लेके जाता है, ठीक है। लो भाई, मैं 4 ही बना रहा हूं, ज्यादा मत कर लो। अगला पॉइंट क्या दिया है, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जो शुद्ध ब्लड है हमारे बॉडी में, 100 ml ब्लड में कितना ऑक्सीजन होता है, अराउंड 5 ml, कितना, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन होता है। सुनो भाई, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। 5 ml ऑक्सीजन को डिलीवर कौन कर, कितने ब्लड करते हैं, कितना ब्लड करता है, 100 ml, 100 ml ब्लड कितना ऑक्सीजन डिलीवर करेगा, 5 ml। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 5 ml 5 ml ऑक्सीजन के लिए कितने ब्लड की जरूरत होती है, शुद्ध ब्लड की, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होगी, कितना होगी भाई, 100 ml होगी, होगी कि नहीं होगी, 5 ml ऑक्सीजन को डिलीवर करने के लिए कितने ऑक्सीजन, कितने ब्लड की जरूरत है, 100 ml, यही तो है, यही तो हो रहा है कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर फ्रॉम अराउंड 5 ml ऑफ O2। ये ऑक्सीजन किसको ले जाके देगा भाई, ये जो ब्लड है किसको ले जाके देगा, सेल को ही तो देगा भाई, सेल को ही तो दे रहा है। अब देखो, ब्लड में क्या है, आरबीसी है, आरबीसी में क्या है, हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ता है और पकड़ कर कैरी करके लेके जाता है, कितना ऑक्सीजन को लेके जाएगा एक बार में, कितना, अभी बताया 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन,
एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। इतना समझ लेना, समझ में आया? एक बार दोबारा समझ लो। ऑक्सीजन आया, मैंने सांस लिया, सांस लेने के बाद गया कहां पे? मान लो फेफड़े में गया, यानी फेफड़े के एल्बुलाई में गया। एल्बुलाई के नीचे क्या है भाई? ब्लड तो होगा, उस ब्लड में आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन क्या किया, इसको कैरी किया, किसको? ऑक्सीजन को। कैरी करने के बाद क्या ले, कहां लेके गया वो? ब्लड के साथ कहां लेके जाएगा? सेल में लेके चला गया। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक हीमोग्लोबिन कितने मॉलिक्यूल को लेके जाता है, कितने ऑक्सीजन को लेके जाता है, तो 4 मॉलिक्यूल हो गए। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन, समझ में आ गया? इतना ही समझ के आना, इतना पूरा समझ लेना भाई। क्या नहीं आ रहा हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से, कोई भी टॉपिक से जो अभी तक मैं पढ़ाया हूँ, एक बार जरूर मुझसे कमेंट करके जरूर पूछना। ठीक है, थैंक यू क्लास।